मैं सावित्री चौधरी जयपुर से एक कहानी पढ़ रही हूँ जिसका शीर्षक है ढीठ औरत। देख बहू, जिद ना कर। तुम इतनी बड़ी और पढ़ी लिखी होकर भी क्यों हम दोनों माँ बेटे की बात नहीं मान रही हो? तुमने कभी यह कहावत नहीं सुनी क्या? पहली जन्मी बेटी कर दी सबकी हेठी। अजी लद गया वह जमाना, अब पति और सास की हर एक बात माननी अपना फर्ज समझा करती थी बहू। यह है नया जमाना। आजकल की समझदार और शिक्षित बहू बेटियां गलत सलत बुरी और बेहुदी बात नहीं मानती, चाहे पति कहे, सास कहे या पीहर वाले। इसलिए मैं तो मेरी बेटी को कोख में आप दोनों के कहने से नहीं मर मानी है, दबंगता से कहा बहू ने। आदित्य हंस पड़ा उसकी बात सुनकर। अरे मूर्ख, तुम जिसको बेटी समझ रही हो वह बेटी बेटी नहीं है, बल्कि तनिक सी एक बूंद है जिसको खत्म करा देने से तुम्हें कोई पाप वाप नहीं लगना, फांसी नहीं होगी। बस बस ना करें ऐसी व्यर्थ की बातें। जिसको जरा सी बूंद बता रहे हैं वह बेटी है मेरी, एक जीव समझे, और वह आपका ही अंश है, आपकी देन है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप जो कल तक मेरे दुख तकलीफ मेरी खुशी को अपनी खुशी महसूस करते थे, आज आप कैसे क्यों मेरे खिलाफ हो गए, क्यों मेरी कोख वाली बेटी के दुश्मन हो गए। दुखी भाव से ये सब कहते हुए बहू की आंखें बरसने लगी, पर आदित्य था पति जो पत्नी की बात मानना अपना अपमान मानता था, तभी तो क्रोध से कहने लगा, अरे बंद कर आंसू बहाने, तुम तो हमेशा ही मेरी हर एक बात मानती आई हो, फिर इस बात के लिए क्यों जिद कर रही हो? बेवकूफ, सोच लो, अपना रिश्ता तुम्हारी हाँ या ना पर टिका है। जो अभी जरा सा जीव है उसको खत्म करवाने का मतलब है तुम मेरी माँ, और हम दोनों का बहुत अपमान करने पर तुली हो। यदि हमारी बात नहीं मानी तो देख लेना, तुम इस घर की रहोगी न घाट की। मैं अपनी पर उतर आया तो घर में रहना दूभर हो जाएगा तुम्हारा। आंसू नहीं थम रहे हैं बहू के, उसके कानों में पति के कहे हुए विषैले शब्द और धमकी गूंज रही है। पर वह तो चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती थी नारी को जन्म देने का, जन्मे हुए जीव को जीने का हक है, अधिकार है। मेरी कोख में जो बूंद बेटी का आकार ले रही है, पनप रही है, उसको कैसे नकारूं? जबकि पति तो मेरी कोख में उसकी मौजूदगी को ही मानने को तैयार नहीं, पर वह तो हरदम उसको सहलाती है, गांव पांव में घुंघरू बांध कर नाचना चाहती है। जिस दिन डॉक्टर की जांच रिपोर्ट से पता लगा था कि मेरी कोख में बेटी सृजित हो रही है, उस दिन अपनी जिंदगी सार्थक प्रतीत हुई थी मुझे। माँ बनने की असीम खुशी ही उसके मन प्राणों में हिलोरे लेने लगी थी, गोडे गोडे चाव चढ़ गया था। उसका हृदय तो हर्ष के मारे फूला नहीं समा रहा था। वह तो हर वक्त नमन करती है विधाता को, जिसने माँ बनने का उसको सुख सौभाग्य दिया है। उसने तो बेटी का नाम भी सोच लिया है, किरण की आभा। पर आप दोनों माँ बेटे तो मेरी कोख में ही मेरी बेटी को मरवाना चाहते हो, क्योंकि आपको तो बेटा और सासू जी को चाहिए पोता, पर मुझे तो केवल बच्चा चाहिए, बेटा हो या बेटी। अब बेटी है मेरी कोख में तो मैं उसे आप दोनों की बात का सम्मान रखने के लिए कोख में ही मरवा दूं? इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं, नहीं दब्बू और डरपोक हूँ। आप दोनों माँ बेटा कितने पाखंडी कितने ढोंगी हो, इस बात का तो मुझे अब पता चला है। साल में 2 बार तो आप दोनों नवरात्रों में 9 दिन फलाहार का उपवास करते हो। नवमी वाले दिन 9 कन्याओं को भोजन करवाकर 100-100 रुपए दक्षिणा भी देते हो कन्याओं को। साल में 2 बार वैष्णो देवी के दर्शन करने भी जरूर जाते हो। अब जबकि घर में साक्षात देवी समान कन्या जन्म लेगी तो आप दोनों उस बेचारी को मेरी कोख में ही कत्ल करवाना चाहते हो। लेकिन मैं तो बेटी ही जन्मूंगी,
आप दोनों बेशक हर समय घर में क्लेश, लड़ाई, झगड़ा, महाभारत मचाते रहो मेरी बला से। वह मनी मन क्रोध में फूफाती हुई पति और सास को डांट रही थी, जली कटी सुना रही थी। उसका पारा चढ़ा देख पति आत्मीयता से समझाने लगा, मैं समझ रहा हूँ कि तुम बहुत ही दुखी हो रही हो जाने मन। मैं यह भी समझता हूँ कि इस कोख वाली बूंद को तुम खत्म नहीं करवाना चाहती, फिर भी हम दोनों की चाहत का सम्मान करने के लिए हमारी बात मान लो, यह लड़की नहीं जन्मनी चाहिए। पति का एक-एक शब्द उसके कलेजे पर मुक्के मार रहा था, बेरहमी से, बेदर्दी से और जोर जोर से। मोह ममता से भरा हृदय का तालाब शीशे की तरह किरचे किरचे हुआ जा रहा था। हृदय की असीम व्यथा से बिलबिलाती वह बोली, यह आपका बीज जो कि मेरे शरीर में बेटी का रूप आकार ले रहा है, जीवन का एक नया गीत रच रहा है, ये अपना दोनों का अंश है। कल तक इसके लिए हर एक सपना हमने एक ही नजर से देखा था, फिर आज आप इतने जालिम, इतने बेरहम क्यों हो गए? अरे ढीठ औरत, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हमारी बात को? यदि हम बेटा चाहते हैं तो कौन सी अनहोनी अनोखी बात है? सारी दुनिया वाले ही तो चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि प्रथम संतान बेटा ही होना चाहिए। आपकी यह सोच, यह चाहत ही हद से ज्यादा बुरी है, घटिया है। आप और आपकी माँ क्या चाहते हो यह तो आपने बता दिया, पर मैं क्या चाहती हूँ यह बात सोचने का प्रयास क्यों नहीं करते? मैं जो यह जीव मेरी कोख में पाल रही हूँ, इसको जिंदा रखना है या नहीं, यह फैसला आप मेरे से लड़ झगड़ कर, डरा धमका कर, जबरदस्ती क्यों करवाना चाहते हो अपनी मर्जी अनुसार? देखो तुम बात का बतंगड़ ना बनाओ, मान लो हमारी बात, अपने क्लेश का खात्मा हो जाएगा आज ही। तुम्हें दुखी करने के लिए माफ करना किरण मुझे, और अभी चलो डॉक्टर के पास। आदित्य फिर से उसे डराने धमकाने लगा अपनी बात मनवाने के लिए। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अपने भविष्य और संबंध की बुनियाद इस निर्णय पर टिकी है, जो एक जरा सी बूंद है। उसके लिए तुम अपने संबंध ना बिगाड़ो, अपने विवाह को फेल ना करो। क्रोध से भरा आदित्य मन में आया वैसे ही पत्नी को डांटता धमकाता हुआ कमरे में घायल शेर की तरह चक्कर काटने लगा। बिना यह सोचे समझे कि पत्नी उसकी कटार सी पैनी बातें और धमकी से कितनी जख्मी हो गई है मन में। वह समझ तो गई थी कि पति से अब कुछ भी कहने का मतलब है, अंधे आगे रोए अपने नैन खोए, फिर भी उसके सब्र की सीमा टूट गई और आंसू नहीं थम रहे हैं। यह क्या बात कह दी पति ने, जो एक तनिक सी बूंद है उसको खत्म करवाने से तुम्हें कोई पाप वाप नहीं लगेगा, फांसी नहीं होगी। लेकिन वे लक्षण कैसे छिपा दे जो उसके रोम रोम में हो रहे हैं, दिख रहे हैं, और पति नकार रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं। इससे घटिया और बुरी बात नहीं हो सकती कोई भी। जिस दिन जांच रिपोर्ट से पता चला था कि उसके भीतर उस जैसी एक और किरण सृजित हो रही है, वह दिन तो उसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली था, सुनहरी सपने जैसा सुंदर था। तो फिर उस सुंदर सपने पर काली घटा कैसे छा गई? जिस बेटी के कोख में पनपने के हर्ष ने उसके हृदय को बाग बाग कर दिया था, उस बेटी के कोख में होने का पता लगते ही सारे घर में भूचाल सा क्यों आ गया? क्यों घर का वातावरण सुलग रहा है? वह इसी सोच में डूब रही है। किरण, तुम तो हमारी लाडली और बहुत ही गुणवान समझदार बहू हो, और तुमसे हमें आशा है पहली संतान बेटा ही जन्म लेगी। आदित्य मेरा इकलौता पुत्र है, मैं उसके रूप में प्रथम संतान मुन्ना ही चाहती हूँ। इसमें तुम्हारी भी शाबाशी है, हमारी भी शोभा है, शान है। सास ने उसकी खुशामद सी करते हुए सुना कहा। सास की बात सुनकर वह चकरा गई। पहली संतान बेटी नहीं बेटा ही जन्मना जरूरी है, यह बात तो उसने कभी भी नहीं सोची थी। और जब से यह बात सुनी है तो उसके मन मस्तिष्क में जबरदस्त तूफान सनसना रहा है। क्या करूं क्या न करूं, अरे अब उसे फैसला करना है।
एक जिंदगी का, उस संबंध रिश्तों का खूब सोच विचार करने के बाद उसने पति और सास को अपना अडिग निर्णय सुना दिया दबंगता से, दिलेरी से। मैं कोख में बेटी की हत्या नहीं कराऊंगी, वह मेरी बेटी है और मैं हूं उसकी माँ। रहा प्रश्न अपने भविष्य के रिश्तों का, जीवन का, तो यदि आप अपने रास्तों पर मेरी बच्ची को साथ लेकर नहीं चल सकते, तो मैं भी आपके साथ चलना जरूरी नहीं समझती कतई। यदि आप दोनों माँ बेटे मेरी आंखों की नूर मेरी बेटी को लाड़ प्यार से नहीं रखेंगे, तनिक भी कभी दुत्कारी, फटकारी या उपेक्षा की नजर से भी देखा, तो हमारे रिश्ते रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। याद रखिए मेरी इस बात को। इस तरह अपना निर्णय सुनाकर वह चुप हो गई। पर फिर अचानक उसने मेज पर सामने रखा मोबाइल उठाया और रोष भरे शब्दों में धमकाने लगी, मैं अभी महिला थाने में आप दोनों के खिलाफ शिकायत करूंगी। जेल जाने पर ही आप दोनों पर चढ़ा बेटे पोते की चाहत का भूत उतरेगा, आंखें खुलेगी। बेटी को सही सलामत जन्म देने से मुझे, आप तो क्या दुनिया की कोई भी हस्ती नहीं रोक सकती। आप दोनों किसी वहम में न रहना, बेटी के दुश्मनों से सलटने, उन्हें सबक सिखाने के मैं कई दंड फंद कई तेंतरे जानती हूँ। पत्नी का आत्मबल, आत्मविश्वास और धमकियों भरा दृढ़ निर्णय सुनकर पति के हृदय से बेटे की चाहत उड़ गई कपूर की तरह, और सामने खड़ी पत्नी को बहुत प्यार से गले लगा ली। अजन्मी बेटी के लिए भी पत्नी के हृदय में असीम उफनती ममता देखकर आदित्य अपनी घटिया सोच, बेटे की लालसा के लिए खुद को धिक्कारने लगा। आंखों में दुख और पछतावे के आंसू तैरने लगे। रुंधे कंठ से कहा, मुझे माफ कर दो किरण, मैंने तुम्हारा बहुत ही मन दुखाया है, तुम्हारे साथ हृदयहीन व्यवहार किया है। दुखी भाव से यह कहकर उसने जेब से रुमाल निकाला और आंखों से बह रहे आंसू पोंछे। फिर बहुत ही स्नेह भाव और आत्मीयता से कहा, किरण अभी से मेरी भी बेटी है तुम्हारी लाडली, अब तो मैं तुम्हारी और अपनी बेटी की सार संभाल करूंगा हथेली के छाले की तरह। बेटी को बचाने के लिए हर एक माँ को, माँ बनने वाली नारी को तुम्हारी तरह ही ढीठ और मजबूत कलेजे की होना चाहिए। बेटे की चाहत रखने वालों को तो सरे आम जलील करना जरूरी है और कानून की मदद लेनी चाहिए। तुम्हारे जैसी नए विचारों की बेटियों की हिमायती नारियां ही बेटी को कभी कोख में कभी जन्म के बाद मरवाने की हृदयहीन सोच को बदल सकती है।